देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रोहन, डरा दिया तुमने मुझे। यार मैं तुम्हें जी रहा हूँ भाभी। क्या हुआ रोहन, तुम ठीक तो हो? बैठो इधर, क्या हुआ? बैठो ना, क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ भाभी, लेकिन मुझे ना गजल की बहुत फिक्र हो रही है। दिल में डर बैठ गया, अगर आज उसको कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होता उसे, अल्लाह मियाँ है ना ख्याल रखने के लिए। पर हाँ, उसे अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। इंसान की यही खामी होती है, जमाने भर का ख्याल रखता है लेकिन जब खुद की बारी आती है तो लापरवाह बन जाता है। वो खुद का ख्याल नहीं रख सकते भाभी, उसे उसे एक साथी की जरूरत है। मेरा मतलब है कि कोई इसका कितना ही ध्यान रखेगा, हमें इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब भाभी कि बता दे रोहान, बता दे, तू गजल से मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। भाभी वो मैं बोल रहा था कि अरे दुल्हन, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, चलो मेरे साथ। दादी एक मिनट, रोहान को जरूरी बात बता रहा था। तुम कब से इस मशकरे के चक्कर में पड़ गई? ये अभी भी कोई ना कोई शरारत जरूर कर रहा होगा। चलो ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो रोहन, मैं अभी आती हूँ। चलो बस आपसे ही मुझे उम्मीद है भाभी, एक आप ही है तो गजल से मेरा निकाह करवा के मेरी जिंदगी को सवार सकती है। गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मुझे यकीन है कि वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है। उसे मेरी जरूरत है। क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ है दादी अम्मिया? इतनी ऊपर सीढ़ियां चढ़ के आई है, घुटनों में दर्द हो जाएगी आपकी। कोई बात नहीं, मैं तेल लगा लूंगी। पर हुआ क्या है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आज से हमारी खुफिया मुलाकात यही होती रहेगी। क्यों, घर में किसी से खतरा है क्या? खतरा तो नहीं, लेकिन मुझे शक है। पता है दुल्हन, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, कोई है जो हम पे नजर रख रहा है, हमारी सारी बातें सुन रहा है। सोचो, आज ही हमने सोचा था गजल को इस घर से बाहर निकालने के बारे में, और आज ही डॉक्टर ने कह दिया कि गजल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। अब तुम ही सोचो दुल्हन, ये इत्तेफाक है या साजिश? इसका मतलब गजल ड्रामा कर रही है? बिल्कुल ड्रामा ही है। पर वो ऐसा क्यों करेगी, वो अपनी जान खतरे में क्यों डालेगी दादी अम्मी? क्यों का जवाब तुम्हारे सामने है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने सादगी का पर्दा पड़ा हुआ है। दुआ, देखो अपने घर को बचाओ, उस गजल को इस घर से बाहर निकालो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने, मेरा तजुर्बा बोल रहा है। मेरे हाथों से गुनाह हुआ, जीनत की मौत मेरी गलतफहमी की वजह से हुई है। तू कर रहा है तेरा गला घूट कर, तुझे एक मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन परसों के दुख का बदला इतनी आसान मौत नहीं हो सकती। तुझे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी मेरी होने वाली सासू मां।
अस्सलाम वालेकुम। यो क्या कर रही हो? खुदा खैर करे गजल बेटा, पहले तसल्ली से गले लगाने तो दो, फिर बात करते हैं। किस चीज की तारीफ करूं मैं, तुम्हारी एक्टिंग की, तुम्हारी प्लानिंग की? मान गए तुमने गजल बेटा, अरे दादी के मंसूबे को खेलने से पहले कुचल दिया तुमने। मुझे लगता है दादी का प्लान तो नहीं कामयाब होगा, लेकिन जो तुम्हारी गलतियां है ना, वो हम पर जरूर भारी पड़ेगी। क्यों? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ये जो तुम मेरे प्लान की तारीफ करने के लिए रात को यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो, सोचा है क्या? अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा, और जो मैं गुल खिलाने आई हूँ वो खिलने से पहले मुझ आ जाएगा। खुदा खैर करे। जज्बात पर थोड़ा सा काबू रखो, हाँ, और मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, समझी? सही कहा तुमने कसल बेटा, लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब बड़े वक्त के बाद किसी चीज में इतना मजा आया मुझे कि मुझ पे खुद पे काबू ही नहीं रहा, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। खुश रहो बेटा, बस जाओ जाओ जाओ। देख के तेरी नजर हम बेकरार हो गए, जी हुजूर छोड़िए। गाना तो बहुत अच्छा है। लेकिन मौका ठीक नहीं है रूहान की अम्मी, क्या हुआ रूहान की अम्मी? इतनी रात को भी आपको नींद नहीं आ रही? नींद की गोलियां खत्म हो गई? हाँ, गजल की बीमारी आपको भी लग गई? खुदा खैर करे, मुझे गजल की बीमारी क्यों लगी? नहीं, इतनी रात को तो आपको सो जाना चाहिए था, लेकिन लगता है आपकी नींद की गोलियां आजकल काम नहीं करी। तभी तो रात को 2 बजे आपको पता चल गया कि गजल पानी में डूब रही है, और इतनी जोर जोर से आप चिल्लाने लग गई। कैसे पता चला आपको? अब तुम्हारे बेकार के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे वैसे भी नींद बहुत आ रही है। शब्बा खैर, खुदाफिज़। एक बार डॉक्टर से जाके मिल लीजिए रूहान की अम्मी, लगता है आपकी नींद की गोलियों की तादाद बढ़ाने का वक्त आ गया, वरना कहीं ऐसे ही घर में भटकती रूह की तरह घूमती रहेंगी। खुदा खैर करे, कमबख्त बद्दुआ पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेगी। ये दुआ मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही है? अल्लाह करे दादी अम्मी का शक सिर्फ शक हो, खुदा ना करे कि गजल घर के खिलाफ कुछ सोच रही हो। पर दादी अम्मी की तजुर्बेकार आंखों को नजरअंदाज कर देना बिल्कुल सही नहीं होगा, मुझे असलियत का पता लगाना ही होगा। अच्छा नहीं हुआ कि दुआ को शक हो गया, मजा तो तब आता है जब दुश्मन को खबर भी ना हो और उसका सर कट जाए। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, जब तक दुआ मियान से अपनी तलवार निकालेगी गजल ये जंग
जीत चुकी होगी। दरवाजा खुला है। जी जनाब, फरमाइए। रोहन बेटा, कुछ काम था? वो बड़े में कुछ खास नहीं। हाँ, आप कल ना बहुत ज्यादा थक गई थी, तो मैं आपके लिए ना ये कॉफी बना कर लाया हूँ। तुम रूहानी हो ना? क्यों बड़ी अम्मी, कोई शक? पहली हैरत की बात तो ये है कि जनाब आज जल्दी जाग गए, और दूसरी हैरत की बात ये है कि जनाब खुद अपने हाथों से अपनी बड़ी अम्मी के लिए कॉफी बना कर लाए हैं। अच्छा जी, अब मैं समझ गई। चलो निकलो यहां से, ले जाओ ये कॉफी यहां से। इतने सालों बाद तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बड़ी अम्मी कॉफी नहीं चाय पीती है? अब मेरे पीछे देखना बंद कर और ले जाओ इसे यहां से जल्दी। मैं बड़ा हो गया हूँ, आप प्लीज लड़की के सामने मेरी इज्जत का फल दो मत कीजिए ना बड़ी अम्मी। मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ, आपके मुताबिक 3 चम्मच शक्कर। परफेक्ट परफेक्ट, चलो भागो यहाँ से अभी। ठीक है। वो बड़ी अम्मी, आप ये कॉफी गजल को दे देंगी? ये लीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये कॉफी मेरे लिए। हाँ, बिस्कुट भी दे दूंगी, गजल के लिए बना कर लाए हो। चल अब तशरीफ ले जाए यहाँ से, भाग। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रूहान इसे पसंद करता है, और मुझे तो इल्म ही नहीं था। अल्लाह मियां, गजल भी रूहान को पसंद कर ले, फिर तो उसे इस घर से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा मेरे नजरों के सामने रहेगी। या अल्लाह, भैया आपने तो डरा ही दिया मुझे। इस ख्याल को यहीं दफना दो। ये जो तुम दुआ मांग रही हो ना, वो तुम्हारे हक में बद्दुआ से कम नहीं है। या अल्लाह, ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? क्योंकि ये लड़की मक्कार है, नाटक कर रही है ये। अम्मी धीरे बोलिए ना, बेचारी ने सुन लिया तो उसका दिल टूट जाएगा। टूट जाने दो, जो भी कह रही हो सब सही है। खुदा के लिए अम्मी चुप हो जाइए ना। ठीक है, तुम कहती हो तो चुप हो जाती हूँ। लेकिन इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। अभी तुम तैयार हो जाओ, हमें जियारत पर जाना है, जाओ। जी। कांटा नाखून से ना निकले तो सुई से निकालना पड़ता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। गजल, गजल उठो। ये बुढ़िया अपनी बर्बादी को क्यों बुलावा दे रही है? आज तो इसके मुंह पे लगाम लगानी ही होगी। गजल, दा
दादी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ काम था आपको? ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, तुम तो मेहमान हो और मेहमान की इज्जत करना तो हमारा फर्ज है। बड़े एहतराम से कहना चाहती हूँ कि यहाँ हमारे घर में तुम्हें रहते हुए बहुत समय गुजर गया। देखो, हमारी मेहमान नवाजी में अगर कोई भी कमी रह गई हो ना, तो तुम्हारा जूता और हमारा सर। पर ऐसा हुआ नहीं ना। अब देखो ना, हमने तुम्हें इतनी इज्जत दी, अब तुम भी हमें बख्श दो। तुम्हारा वो पुराना टूटा घर है ना, उसके पास ही मैं तुम्हारे रहने के लिए एक किराए का घर ले लेती हूँ। तुम है ना, वहां आराम से जाकर रहो और अपने उस घर की मरम्मत पे भी नजर डालो ना। ठीक है ना? मैं नहीं चाहूंगी। क्या? मैंने कहा मैं नहीं चाहूंगी। तुम गलत समझ रही हो बेटी, घर में मेरा ही हुक्म चलता है और अगर मैंने कह दिया तुम जाओगी तो तुम जाओगी। शायद आपने सुना नहीं दादी अम्मी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर हैदर की मर्जी से रह रही हूँ। हैदर मेरा पोता है और अगर उसकी दादी कहती है तुझे इस घर से बाहर जाने के लिए, तो निकलो बाहर, बांधो अपना सामान और निकलो यहां से बाहर। मैं यहां पर हैदर की मर्जी से रह रही हूं। ये घर हैदर के दम पर चलता है। आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकती, समझी? बदसात लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बातें करने की? तो तुम इस घर की मेहमान हो, वरना मैं तुम्हारा ना मुंह नोच लेती। जाओगी ना, मैं तुम्हें दिखाती हूं ऐसे तो नहीं जाओगी। नहीं जाएगी ना, देखती हूं मैं भी तुम कैसे ली जाती है इस घर से। लो तुम्हारे कपड़े और निकलो यहाँ से। या अल्लाह दादी अम्मी, हुआ क्या है? शांत हो जाइए। ये लड़की मेरे घर में घुस आई और ये कल वही कहेगी मुझसे जुबान लड़ा रही है। तू देख देख मैं तुझे कैसे निकालती हूँ बाहर। वो क्या रहा है? अरे तुम्हारी दादी सठिया गई है, मुझे घर से बाहर निकालना चाहिए। गजल, जिनके बारे में बात कर रही हो वो मेरी दादी अम्मी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो दुआ, मैं दादी अम्मी की बात कर। तुमने जो बोलना था वो बोल दिया, अब एक और लफ्ज नहीं। दादी अम्मी, अब मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सुनना, मैंने कहा ना, ये लड़की नहीं, जहर है, जहर।
तो चल। आज निकल, दादी निकल मेरे घर से, चल। अरे तू निकल इस घर से, इसी वक्त निकल, जा, चली जा, ले जा अपना ये सब, निकल जाओ मेरे घर से। दादी अम्मी क्या कर रहे हैं आप? अब शांत हो जाइए। दादी अम्मी शांत हो जाइए। मुझे नहीं सुनना, मुझे मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। अम्मी ये क्या कर रही है आप? रुक जाइए ना, दुल्हन रोको ना अम्मी को। अम्मी संभालिए खुद को। अभी ये सामान हटाओ, निकलो यहाँ से। अरे नहीं अम्मी, दादी अम्मी आप ये क्या कर रही हैं ये? दादी अम्मी ये गलत है प्लीज। अब बड़ी अम्मी दादी अम्मी को समझाइए ना प्लीज। निकलो मेरे घर से मैं कह रही हूँ। दोबारा आपने नापाक कदम लेकर इस घर में आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ। क्या हो रहा है ये सब?